अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर आपसे कैरमल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो सिर्फ 3 से 4 स्टेप में आसानी से बन जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1/4 कप चावल या 16 टेबल स्पून चावल लें और इन्हें वॉश करने के बाद भिगो दें। आधा घंटा भिगोने के बाद लोगों को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। एक बर्तन में 2 लीटर दूध डालें और बॉईल करें। फिर इसमें सब्ज़ इलायची पिसी हुई 1 टीस्पून डालें और ब्लेंड किए हुए चावल डाल दें और इसकी आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएं कि चावल गल जाएं और दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब एक दूसरी तरफ एक बर्तन लें, इसमें 2 कप चीनी डालें और इसे हल्की आँच पर रख दें। आस्ता आस्ता चीनी कैरेमल होने लग जाएगी। जैसे ही इसमें कलर आएगा इसमें इसको मिक्स करें और इसमें पानी ऐड करके इसको हिलाएं। अच्छी तरह हिलाने के बाद इस चीनी का जैसे ही कलर आए तो इस कैरमलाइज चीनी को हम इस खीर में मिक्स कर देंगे और इसको हिलाएंगे। हिलाने के साथ साथ हम इसमें पिस्ता और बादाम को भी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। लास्ट में 1 टीस्पून इसमें क्योरा डालेंगे और इसको हिलाएंगे और खीर रेडी है। अब हम इसे मुख्तलिफ़ डिश में डालेंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।